नमस्कार दोस्तों, ये LG टीवी है, LG अल्ट्रा स्लिम टीवी है और इसका प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए दोस्तों, इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका प्रॉब्लम को पिन कुशन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है, चलेंगे पीछे साइड। चलिए दोस्तों, मैं पीछे साइड आ गया हूँ और टीवी को ओपन भी कर लिया हूँ। और पहले हम लोग फिजिकली देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। फिजिकली हम लोग देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो हम लोग पलटा के देखते हैं पीछे साइड। ये जो फॉल्ट है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल साइड का फॉल्ट है और ये जो प्रॉब्लम है इसको पिन कुशन प्रॉब्लम बोलते हैं। तो मेरे पास में जो मीटर है, इस मीटर में ये फैसिलिटी है कि हम लोग PF कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे जितना PF लगा हुआ है सभी PF को बारी बारी करके चेक कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर भी ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इसमें एक 8 पिन का IC यूज हुआ है, जो कि हमारा जो हॉरिजॉन्टली वायर को थोड़ा ज्यादा हाइट मतलब चौड़ा बढ़ाने के लिए यूज हुआ है। तो ये सप्लाई जाता है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल योक के लिए और 5 नंबर पिन है इसका आउटपुट, जो कि यहाँ पे एक कॉइल के थ्रो से यहाँ पे आता है, कॉइल के थ्रो से आता है और लिनियरिटी कॉइल में कनेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चेक करेंगे कि वोल्टेज वहाँ से कितना उसका VCC है, देखते हैं VCC और उसमें आउटपुट कितना वोल्ट देखेंगे। तो दोस्तों, इसका VCC जो है 6 नंबर 7 नंबर पिन है, मतलब 6 नंबर पिन है जो VCC, और यहाँ पे देखिए मीटर में 28 बता रहा है। ठीक है, तो 5 नंबर पिन जो है वो आउटपुट है, जो कि 5.7 बता रहा है और ये वोल्ट यहाँ पे आता है और यहाँ से कॉइल के थ्रो से यहाँ पे आता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 33 वोल्ट है लेकिन एक कॉइल के इस पर 5.7 वोल्ट है। तो हम लोग इसको कॉइल के थ्रो से जा रहा है तो कॉइल हमारा डिफेक्ट हो सकता है, तो कॉइल हम लोग चेक करेंगे। तो मैं मीटर को कॉन्टिन्यूटी रेंज में रख लेता हूं।
तो सॉरी दोस्तों आपको दिखाई नहीं दे रहा था, मैं फिर से समझा देता हूँ कि ये जो आईसी है 8 पिन का और 6 नंबर में वीसीसी यहाँ पे 28 वोल्ट दिखाया, और जो ये आउटपुट है 5 नंबर पिन इसमें 5.7 वोल्ट बता रहा है जो कि यहाँ पे कॉइल में आया है और कॉइल से इस पर है 33 वोल्ट। तो अगर कॉइल है तो दोनों साइड बराबर का वोल्ट बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बराबर वोल्ट नहीं है, एक साइड 5.7 है और एक साइड 33 वोल्ट है, ठीक है। तो हमको डाउट है कि कॉइल खराब हो सकता है, क्योंकि कॉइल लोम्स का होता है तो दोनों साइड बराबर रहेगा वोल्टेज। तो मैं बजर रेंज में रखा हूँ और मैं कॉइल को चेक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, कॉइल में कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ कॉइल को और चेक कर लेते हैं बाहर। तो दोस्तों यहाँ पे कॉइल निकाल दिया हूँ, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जल गया है, और अभी मैं कंटिन्यूटी में चेक कर लूंगा मीटर को। देखिए देखिए दोस्तों, कोई भी मीटर में रीडिंग शो नहीं कर रहा है, बजर का आवाज भी नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मैं उसके जगह पे दूसरा कॉइल एक डालूंगा, मेरे पास सेम कॉइल तो नहीं है फिलहाल, अभी दूसरा पुराना किट से। तो दोस्तों मैंने दूसरा कॉइल को चेक करके दिखा रहा हूँ आपको कि बजर साउंड आ रहा है, ठीक है। तो मैं वो ये जो कॉइल है इसको हमें अभी वहां पे डालूंगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं कॉइल को सॉल्डिंग कर लिया हूँ। तो दोस्तों सोल्डिंग तो ठीक से हो गया है, अभी हम लोग चालू करके यहाँ पे वोल्टेज भी मेजरमेंट कर लेंगे। तो मैं मीटर को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। Yeah, I don't know.
मीटर के साथ, और कहाँ पे मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ वो भी दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं अभी वोल्टेज आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैं ऑन कर रहा हूँ टीवी को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आईसी का बात किया था मैं, ये है 8 पिन का आईसी और इसका 6 नंबर पिन में 28 VCC है और इसका 5 नंबर में आउटपुट है, जो कि आउटपुट वोल्टेज कॉल के यहाँ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 33 बता रहा था और यहाँ पे 5.1 बता रहा था, जो कि यहाँ पे कॉइल के थ्रू से दोनों साइड सेम बराबर का वोल्टेज आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 5.4 और कॉइल के इस पर देखिए 5.5। तो ठीक है दोस्तों, वोल्टेज दोनों साइड बराबर हो गया। अभी हम लोग स्क्रीन पे जाके देख भी लेंगे एक्चुअली सॉल्व हुआ कि नहीं हमारा प्रॉब्लम। तो ये देख पा रहे हो दोस्तों, ये अल्ट्रा स्लिम का है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे। ठीक है दोस्तों, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, अब पूरा स्क्रीन भी आ गया है। ठीक है, तो मेरा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।